अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम जो लिंग्विस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, वो है साइकोलिंग्विस्टिक। तो सबसे पहले हम साइकोलिंग्विस्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक होता क्या है। साइको का मतलब है हमारी थॉट्स, हमारी सोचें, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको कहते हैं साइको, और लिंग्विस्टिक का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो साइकोलिंग्विस्टिक का मतलब हुआ कि लैंग्वेज एंड माइंड। साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कंप्रीहेंड प्रोड्यूस एंड अक्वायर लैंग्वेज, कि एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से एक लैंग्वेज को समझता है, उसको बोल सकता है और इसको किस तरह से सीखता है। ये सारा प्रोसीजर जो उनसे है साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर। इसको हम यू भी कह सकते हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हो साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स डेट इनेबल ह्यूमंस टू अक्वायर यूज एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ये साइकोलिंग्विस्टिक जो उनसे इस बात को स्टडी करती है दिमाग के उन फैक्टर्स को जो इंसान को इस काबिल बनाते हैं कि वो लैंग्वेज को सीखे, उसे यूज में लाए और उसको समझने के काबिल बनाती है। देयर आर थ्री प्राइमरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेटेड इन द साइकोलिंग्विस्टिक्स। नंबर फर्स्ट पे है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, नंबर टू पे है लैंग्वेज प्रोडक्शन और थर्ड पे है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंडिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ कैपेसिटीज, स्किल्स, प्रोसेस, नॉलेज एंड डिस्पोजिशन डेट आर यूज टू डिराइव मीनिंग्स फ्रॉम स्पोकन, रिटन एंड साइन लैंग्वेज। जुबान की कोई सी भी किस्म हो, चाहे वो स्पोकन के फॉर्म में हो या रिटन हो या फिर साइन लैंग्वेज हो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्किल या प्रोसेस नॉलेज यूज किया जाता है उसको लैंग्वेज कंप्रीहेंशन कहा जाता है। और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इंसान के माइंड के अंदर बगैर किसी मेहनत के और बहुत आसानी के साथ वकूअ पज़ीर होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज लैंग्वेज प्रोडक्शन। लैंग्वेज प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इट डिस्क्राइब्स ऑल द स्टेजेस बिटवीन हैविंग अ कॉन्सेप्ट एंड ट्रांसलेटिंग दैट कॉन्सेप्ट इनटू द लिंग्विस्टिक फॉर्म। जो भी हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो या रिटन लैंग्वेज हो, जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, अपनी थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे लैंग्वेज प्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन अक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड कम्प्रीहेंड लैंग्वेज एज वेल एज टू प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट। इट इज ऑल अबाउट हाउ पीपल लर्न टू स्पीक एंड मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। अच्छा, लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर वो तमाम प्रोसेस शामिल है कि जब हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, जब हम सेंटेंसेस को यूज करती हैं, उसके अंदर वर्ड्स यूज करते हैं कि कौन से हमें वर्ड्स यूज करने हैं और किस तरह से उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीजें लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आती हैं। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर शामिल है कि किस तरह से लोग बोलना सीखते हैं और तमाम मेंटल प्रोसेस जो लैंग्वेज को समझने में और उसको प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं, वो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आते हैं। देयर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक। नंबर वन इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नंबर टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड नंबर थ्री न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। न्यूरोलिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलिंग्विस्टिक। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, नंबर वन इज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड नंबर टू इज राइट हेमिस्फीयर। और ये कहा जाता है कि जो हमारे बोलने का जितना भी प्रोसीजर होता है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। हमारा माइंड जो है वो किस किस तरह से काम करता है। अच्छा, ब्रेन का जो ब्रोकस एरिया है वो डील करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट जो वर्निका एरिया है वो डील्स करता है कम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज को। एंड नेक्स्ट इज एक्यूज फेसिकुलस, इट ट्रांसफर कम्प्रीहेंडेड टॉक टू द ब्रोकस एरिया। One specialized area within psycholinguistic is neurolinguistic that studies the psychological basis of language and language disorders such as aphasia, loss of memory, etc. अच्छा, aphasia क्या होता है? Aphasia is a language disorder caused by the damage in the specific area of our brain that controls language expression and comprehension. Aphasia leaves a man unable to communicate effectively with others. Many people have aphasia as a result of stroke. साइकोलिंग्विस्टिक इस बारे में भी स्टडीज करती है कि किस तरह से
जो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जब तक अफेसिया जोन सी एक बीमारी है जिसमें माइंड का हमारा जो लैंग्वेज का जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है, तो किस तरह से एक इंसान जोन से जो किसी के भी साथ कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं रहता, तो इसके ये अफेसिया के बारे में, लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में भी वर्क करती है, इसके ऊपर भी फोकस करती है। सिंस लैंग्वेज इज अ मेंटल फिनोमिना, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच आर आर्टिकुलेटेड इन द लैंग्वेज बिहेवियर। साइकोलिंग्विस्टिक स्टडीज दीज मेंटल प्रोसेस प्रोसेस ऑफ द थॉट्स एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड देयर आर्टिकुलेशन इन द लैंग्वेज विच रिवील अ ग्रेट डील अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन साइकी एज वेल एज ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द एरिया विच एक्सप्लोर्स हाउ मीनिंग्स आर अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन ब्रेन एंड हाउ सिंटैक्स मेमोरी आर लिंक्ड एंड हाउ मैसेजेस आर डिकोडेड एंड स्टोर्ड। साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कंप्रीहेंड प्रोड्यूस एंड अक्वायर लैंग्वेज, कि एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से एक लैंग्वेज को समझता है, उसको बोल सकता है और इसको किस तरह से सीखता है, ये सारा प्रोसीजर जो उनसे है साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर। इसको हम यू भी कह सकते हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स डैट इनेबल ह्यूमंस टू अक्वायर यूज एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, के साइकोलिंग्विस्टिक जो उनसे इस बात को स्टडी करती है दिमाग के उन फैक्टर्स को जो इंसान को इस काबिल बनाते हैं कि वो लैंग्वेज को सीखे, उसे यूज में लाए और उसको समझने के काबिल बनाती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक इन साइकोलिंग्विस्टिक एंड हैज़ बीन मोस्ट कॉमनली स्टडीड इन द यंग चिल्ड्रंस हु आर लर्निंग देयर नेटिव लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन दिस फील्ड, investigating questions such as why learning a second language is easier for children than for most adults। language acquisition में ये देखा जाता है कि एक बच्चा किस तरह से छोटी सी उम्र में अपनी मदर टंग सीख लेता है और इसी तरह जब सेकेंड लैंग्वेज सीखने की या उसको समझने की बारी आती है तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो जल्दी उसको पिक कर लेते हैं बजाय इसके कि जो अडल्ट एज में हो वो इसको काफी देर से सीखते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक इस बात पे भी फोकस करती है कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा बगैर किसी मेहनत के इतनी कम्प्लेक्स लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको बोल सकता है और करेक्ट सिचुएशन के लिहाज से करेक्ट सेंटेंस बोलता है, तो आया क्या इसके माइंड के अंदर पहले से ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो इसको हेल्प करता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, और इस थ्योरी को बाद में यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दिया गया। Another field where psycholinguistic has role to play is forensic psycholinguistic. Psycholinguistic is the study of the relationship between the linguistic behavior and the psychological process of the speaker or writer that underline that behavior. Forensic psycholinguistic applied the field of the psycholinguistic to crime or civil cases. क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और लॉ के अंदर जो उनसे केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए फॉरेंसिक साइकोलिंग्विस्टिक से हेल्प ली जाती है, जिसमें जो क्रिमिनल हैं उनके साथ बातचीत के थ्रू ये अंदाजा लगाया जाता है, उनके बिहेवियर से उनकी बातचीत के जरिए से ये अंदाजा लगाया जाता है कि आया कि क्रिमिनल कौन है, उस तक पहुँचने में हेल्प होती है और केसेस सॉल्व करने में इस तरह से हेल्प ली जाती है। Similarly, psycholinguistic and sociolinguistic are coming closer since the realization that merely grammatical competence is not enough. We have to aim at communicative competence too. Whereas psycholinguistic is the language and the mind, sociolinguistic is language and community. In other words, psycholinguistic can be said to deal with the language and the individual, and sociolinguistic with the language and society. इंडिविजुअल और इसकी लैंग्वेज के बारे में स्टडी की जाती है, और जो सोशियोलिंग्विस्टिक है इसमें जो पूरी सोसाइटी के ऊपर जो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके ऊपर सर्च की जाती है, सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान कनेक्शन को शो करती है, और साइकोलिंग्विस्टिक जो सी है वो इंडिविजुअल और लैंग्वेज के दरमियान कनेक्शन को शो करती है। Another relation of language with mind is that of logic. It was held by some ancient philosopher that the human mind is rational and capable of thinking logically, and therefore language too is logically ordered and rational. Other held that just as the irrationality is present in the mind, irrationality or anomaly is present in the human mind. Since then, there have been a debate about the nature of language and the relation between the language and logic.
ये कहा जाता था पहले, एंशंट जो फिलासफर थे उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज क्योंकि एक रैशनल है, हमारा माइंड भी एक रैशनल तरीके से सोचता है और लैंग्वेज भी एक रैशनल वे है। बाद में ये भी कहा गया कि जो हमारी इरेशनैलिटी होती है या बेजाबतगी होती है, रेगुलरिटी होती है, ये सारी भी हमारे माइंड के ही अंदर होती है। तो अभी जो है लैंग्वेज के नेचर के बारे में और लॉजिक के बारे में अभी डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर बहस की। वन ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस्ड बाय द फिलोसोफर ऑफ लैंग्वेज इज मीडियम फॉर द फिलोसफिकल इंक्वायरी, सिंस ऑल अवर थॉट्स आर नोन टू अस थ्रू द लैंग्वेज, वी मस्ट एग्जामिन द काइंड ऑफ द लैंग्वेज वी यूज व्हेन वी अप्रोच फिलोसफिकल इशूज एंड एनालिसिस। साइकोलॉजिस्ट इस बात पे बहस करते हैं कि क्या सिर्फ लैंग्वेज ही सफिशेंट जरिया हो सकता है नफ्सियात को समझने के लिए, या कोई और सोर्स भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली हम अपने जो थॉट्स होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो हम लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके बारे में अभी सर्च की जा रही है कि आया माइंड को समझने के लिए, माइंड पे सर्च करने के लिए ज़ुबान के अलावा कोई और ज़रिया भी हो सकता है। जी ये तो थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं लिटरेचर और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।